हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है सुबह सुबह आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है मेरी, वायरल इन्फेक्शन है। शायद आप आवाज़ में बदलाव नोटिस करेंगे, लेकिन एनीवेज स्टार्ट करते हैं रीडिंग की शफलिंग करके। टारो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। उन्हें आपके प्यार की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, यानी कि जैसे यहाँ पे ये कुछ मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रही है। इसको लग रहा है कि कुछ चाहिए, इसके सामने एक कप है, फिर भी ऐसा साइन दे रही है वो यूनिवर्स को कि शी नीड्स समथिंग मोर। वैसे ही शायद आपके प्यार को पूरी तरह से पाना चाहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक तो नहीं, लेकिन जज्बात ही फील कर रहे हैं। आपसे प्यार है, आपको भी उनसे प्यार है, लेकिन ये हमेशा के लिए, मतलब अपनी ज़िंदगी में हर पल आपका प्यार फील कर पाएँ, इस तरह की एनर्जी से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप कोई फेमिनाइन पर्सन है तो आप ही हैं वो पर्सन जो इनकी सब विशेष यानी कि फुलफिलमेंट सब पूरी कर सकती है, जो भी इनकी प्यार की डेफिनेशन है, और इसीलिए वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, वाटर्स, एरिस, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे कोई भी कंटिन्यूसली कौवे की अगर आवाज़ सुनेगा तो उसको तकलीफ ही होगी, वो बर्ड है आफ्टरऑल, वो अपनी जुबान से कुछ कह रहा है, लेकिन आमतौर पे किसी को भी वो सब कंटिन्यूसली सुन के लेना दिक्कत भरा होता है। वैसे ही इस पर्सन के माइंड में आपसे जुड़े कई सारे ख्याल आते रहते हैं और थोड़ा निगेटिविटी वो फील करते हैं, यानी कि मिस काफ़ी ज़्यादा करने की वजह से कुछ निगेटिव माइंडसेट से ये घिरे रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं निगेटिविटी की बातों को, और उससे उसी वजह से शायद इनको तकलीफ ही हो रही है। मतलब आपको भी मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को भी मिस कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये निगेटिविटी से भी अपने माइंड में स्टक हो रहे हैं। फिर है द एम्परर। तो जैसे एम्परर के हाथ में ये चेस का जो साइन दिखाई दे रहा है, वो कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट मूव कौन सा सही है, कौन सा गलत हो सकता है, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। फिर है 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये बर्डन का कार्ड होता है, तो ये रिवर्स आया है, तो ये बर्डन से खुद को छुड़ाना चाहते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे हमने देखा कि कुछ बातें हैं जो उनके माइंड को काफ़ी ज़्यादा सता रही है, शायद उन्हीं ख्यालों से खुद को छुड़ाना चाहते हैं, उसी निगेटिविटी से निकलना चाहते हैं, और उसी बात के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, मतलब इस निगेटिविटी से कैसे खुद को दूर रखेंगे। अगर आपका प्यार मिलेगा तो ये निगेटिविटी हमेशा के लिए उनके ज़िंदगी से चली जाएगी, ऐसा वो शायद सोच रहे हैं, और इसीलिए कोई प्रॉपर एक्शन लेने के बारे में सोचा जा रहा है, जैसे ये एम्परर का कार्ड बता रहा है। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। काफ़ी सारी विशेष है इस पर्सन की, जैसे यहाँ पे एक बक्सा भी है, उसने काफ़ी कुछ स्टोर करके रखा है अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और एक कप की कमी है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाने के लिए, वो विश फुलफिलमेंट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द चैरियट, ये कैंसर का कार्ड है, कर्क राशि। तो स्पीडी इस
रिश्ते में कुछ चेंज चाहते हैं, यानी कि एज सून एज पॉसिबल उन्हें लगता है कि इस रिश्ते को स्पीडली आगे ले जाए। और जैसे यहाँ पे दो हॉर्सेस हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ है, भले ही वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपोजिट है, एक वाइट हॉर्स है और एक ब्लैक हॉर्स है, लेकिन ज़िंदगी में वो दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये सफ़र वो दोनों कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे ही शायद आपके पर्सन यूनिवर्स को गाइडेंस मांग रहे हैं कि आप भी हम दोनों को हमेशा के लिए साथ लाओ, ताकि हम ज़िंदगी का आगे का सफ़र एक साथ कंटिन्यू कर सकें। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। रिफ्रेशमेंट, इन्हें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग बन रही है इनकी ज़िंदगी, जिसकी वजह से इनको राइट नाउ रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है। एक ऐसा रिलैक्स मोमेंट जहाँ पे वो सुकून भरा कुछ फील कर पाएँ, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई सोच नहीं, कुछ जज्बात नहीं, बस रिलैक्सेशन। तो ऐसी रिलैक्सेशन शायद उन्हें महसूस होती है जब वो आपसे मिलते हैं या मिलती है, और ये बात वो शायद आपसे कहना चाहते हैं कि चलो कहीं मिलते हैं, थोड़ा वक्त बिताते हैं। फिर है विश, काफ़ी सारे विशेष है इस पर्सन की, ये तो हमने इस कार्ड में देखा ही। तो अपनी विश पूरी करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं, यानी कि आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ये तो सोच ही रहे हैं, लेकिन राइट नाउ अपने इस टकने से बाहर निकलने के लिए उनकी जो विश है, आपसे मिलना, आपसे बातें करना, आपके साथ वक्त बिताना, आपका प्यार पाना, इस तरह की विश कब पूरी हो सकती है और उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी शायद सोच रहे हैं। फिर है फोकस, राइट ना उनका जो शायद पूरी तरह से फोकस है वो खुद को निगेटिविटी से रिमूव करने का है। इसके लिए शायद उन्हें लगता है कि आपसे मिलेंगे तो उनका फोकस वापस से आपकी तरफ बढ़ जाएगा, यानी कि उस निगेटिव माइंडसेट से वो निकल जाएंगे। फिर है बॉन्डिंग, आपके साथ एक डीपली कनेक्शन वो फील करते हैं, एक ऐसे स्ट्रिंग से आपके साथ बड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं कि उन्हें महसूस होता है आप दोनों भले ही अपने अपने घर में हैं, राइट नाउ भी आप अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, ये पर्सन भी अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ उनका एक कनेक्शन है जो उन्हें आपके बिना ज़िंदगी में आगे बढ़ने को कुछ भी सोचने नहीं देता, और इसी बॉन्डिंग को लेकर सोच रहे हैं। फिर है ड्रीम लैंड, अपने सपनों की दुनिया में आपके साथ पहुंचना चाहते हैं, और उस ड्रीमलैंड पे आप दोनों एक साथ जब पहुंचेंगे अपने इस छोटे से जहाज़ को लेके, तो क्या क्या बातें पॉसिबल हो सकती है, इस ख्याल में भी शायद खोए हुए हैं। नेक्स्ट है लिटिल जॉय, ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियां ये एंजॉय करना चाहते हैं जो हो नहीं पा रहा है, और आपके साथ जब वो होते हैं तो शायद उन्हें ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ वो एंजॉय कर पाते हैं या कर पाती हैं, ये आपके साथ की उनको बेनिफिट मिलती है, और उसी छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने के बारे में सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है हैप्पीनेस, इस पर्सन को लगता है कि ज़िंदगी भर के लिए उन्हें हैप्पीनेस मिल जाए, और ये हैप्पीनेस पाने के लिए वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपको हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में भी चाहते हैं, इससे जुड़ी कुछ बातों के बारे में सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।